जय भीम नमो बुद्धाय। ए भैया, इतिहास ही राजनीति की जननी है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम आप इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? अंधविश्वास में ऐसे फंसे रहेंगे। इतना बड़े बड़े महान विद्वान महान पुरुषों ने विरोध किया अंधविश्वास को दूर हटाने के लिए। बाहर पेरिया रामास्वामी धन्य है, महान है। बाहर पंडित रावण जैसा विद्वान ज्ञानी। सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से तक लड़ाई लड़े हमारे महान पुरुषों ने। और बाबा साहब तो ये भी सोच रहे थे कि कम से कम 10-20 साल और अंग्रेज रुक जाते तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि शुद्धिकरण का कानून बना करके अंग्रेजों ने खत्म किया। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। आज हम सबसे बड़े अंधविश्वास में हैं, चलते हैं बिरहा की ओर लेकर के चार लाइन भूमिका का भाव मास्टर। देश कहले को आजाद हो गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलाम। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भाग्य अंग्रेज अंग्रेज छोड़े निशाने। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अभाव में पाली। इन बेचारों से जाकर के पूछे कोई पहले हम लोगों को मूल निवासी भारतवासियों को जागरूक अब होने की जरूरत है। एससी तो जाग गया, लेकिन ओबीसी शेर है अभी जागने की देर है। जागिया शेरो, अब समय नहीं रह गया है। ये भारत देश सोने का चिड़िया, अखंड भारत, अखंड भारत। लगभग 3500 बरिस पहले इस भारत देश में हमारी न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत। धर्म अखंड भारत। हम लोगों के पूर्वज उस समय राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, वाणासुर, कृष्णासुर, जो कि देवरिया के प्रोफेसर चंद्रभूषण यादव जी ने किताब लिखा कि कृष्ण सूर्या असुर। ए बाबू, ये भारत देश अखंड भारत देश में राजपाठ हम लोगों का लेने के लिए, हम लोगों को पाखंड में बांटने के लिए, बर्बाद करने के लिए न जाने कितने आक्रमणकारी आए। सिर्फ भारत भरे में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हूड आए, शक आए, मुगल आए, आर्य आए, अंग्रेज आए। आर्य आए तो मेरे भारत का नाम, मेरे देश का नाम आर्यव्रत पड़ा, भारत के नाम पे भारत। और जब अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा, और जब मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ऐ हिंदुस्तान वाले, जो हिंदू कहते हो, हम लोग हिंदू नहीं हैं। गौर करेंगे इस आजाद भारत देश में आखिर सबसे बड़ी बर्बादी कहां से हुई है। गजल का भाव मास्टर। कौन प्रेमी प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा, अरे दिल के जा रहे
जाएंगे हम। बोला टेरी वाले दारू पिएंगे हम भाई, मुर्चा हवा परेशान बोके बदे दारू 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 सांस सवेरे चाहिए दारू दारू पे उतारू भाई। इसमें मेहरारू मारत झाड़ू जय मां शारदा पाली क्लिनिक स्टेट बैंक के बगल सुराम डॉक्टर बी के मौर्य बाहर मौर्य वंश बाहर राजा के वंशज जेकर दस दस पीढ़ी राजा राज करें इसीलिए तो दशानंद हो गए। 100 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है जय भीम नमो बुद्धाय। ए बाबू ई कहत हन दारू पियेंगे हम दारू दारू है 85 झौगा भर आ झौगा भर है जब चुनाव आई जाता तो बिक जात है पौआ भरे पर कोपर राजपाठ मिले कभी जी भाव लिखे हैं अमरनाथ सराय बाजू से सराय अमरनाथ यादव सराय बाजू से अच्छा प्रयागराज की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार है जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। कौन करेंगे यारियों ने मेरे देश को यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सुरा से राजकुमार पाल जी की ओर से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार है जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जेके ना विश्वास हो कक्षा 6 के पाठ 4 में उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन आर्य माने ब्राह्मण आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया आर्य ए बाबू देखा है वो मनु ब्राह्मण द्वारा मनोविधान मनुस्मृति बनाया गया कानून के जो कानून मनुस्मृति में लिखा था जिसके अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे संविधान के पहले मनुस्मृति मनुस्मृति में नारी बदे लिखा बा कि जैसे ही खेत हवे तब खेते का काम हो साग सब्जी धान गेहूं पैदा करना
वैसे नारी औरत इन्हें इतनी नीच बाइन, इतनी नीच है इनके नन का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना। वो कैसे हो? पति से ना पैदा हुई तो देवरे से, इनहू से ना पैदा हुई तो ठौते से, इनहू से ना पैदा हुई तो ससुरे से, इनहू से ना हुई तो सब पड़ोसिन से, मान लो इनहू सब से ना हुई तो सब गांव वालन से, इनहू सब से ना हुई तो हमसे मिला। वाह जियो सर। ए भैया ये हम ना वो मनुस्मृति का वो कानून कहता है के नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। और यही नारी बदे जेके कहत है देवी है, यही नारी बदे गीता में लिखा बा के नारी नरक का द्वार। तब इन्हने कुल पैदा कहां से होई गए? और रामचरितमानस में तुलसी दुबे बांदा चित्रकूट का रहने वाला वो लिखा है के ढोल गवार सुदर पसनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोली के जितने पिटवा उतने ही सुघर बाजी, और ये सुदरन के जितने ही मरवा उतने ही लोग ठीक से रही, और मेहरारून के जितने ही पिटवा उतने ही इन्हें लाइन पे रही। उसमें बोला ऐसे संविधान लागू हुआ है। हम थोड़ा कहा था ये तुलसिया दुबे कहा था चित्रकूट से। अच्छा ए भैया तो शूद्र कहते हैं ना भैया हम चमार है, पासी है, मुसहर है, ये कहा है भैया अछूत शूद्र। लेकिन जे सिंह लिखता तो कहे यार फलाने सिंह बहुत बढ़ जाते हैं, फलाने सिंह पटेल, फलाने सिंह यादव, फलाने सिंह पाल। अरे हमारी आपकी औकात मनुस्मृति में लिखा है, जाके पढ़ लीजिएगा शूद्र कवन है। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धिकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार जितने मूल निवासी हैं सभी लोग ये लोग शूद्र हैं। और इन शूद्रों का काम है सिर्फ सेवा करना। और ये सुबेरे सुबेरे अन्हन के पांच जूता मारे चाहे बिना गुनाह का नाश्ता के रूप में। अब बाबा साहब इतना पढ़े लिखे न होते हैं, पैदा ना भवा होते हैं, तो पांच जूता भैया हर रोज मराते जा। पांच जूता तो हम मरा तू पांच जूता उन्हों मराते जो लेट के मुस्किया था भैया। तो हमें आपको ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री लोगों को छुड़ा करके बकिया सभी लोग शूद्र हैं। मौलिक अधिकार मिला संविधान लिखे बाबा साहब। संविधान सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून जिसके अनुसार हम आप चल रहे हैं। मौलिक अधिकार मिला भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। ये तो दरुए पुतारू है। ए बाबू हमें आपको वो मौलिक अधिकार मिला जौन कुछ सरोजवा बोलत आ न ये संविधान के दिन है, और ना ही तो वो समय बोलत न तो जिभिया काट लिया जा। तू लोग जौन बैठ के सुनत है उ लोगन तू लोगन के कनवा में शीशा पिघलाई के ठूस दिया जा। जिंदगी भर के कुल जने बहिर हो जाता है एक ओरी से। तो गौर करेंगे बाबू कहानी यहाँ से शुरुआत बा कैसे मास्टर। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं आर्या है बन देवता जो सत्यानाशी हैं, विष्णु बनाने ता इंद्र से नायक है, यही विदेश मेरे देश के नसायक हैं। इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड कोई सूर हुआ
धन पुजारी निशाचर कोई असुर हुआ। देवता इंद्र ले सेना वचन नसाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है, हमारी ए बाबू। अब हमारे तुहार कमी कहाँ बा, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो इनके बारे में पहले आदि औलाद खानदान हमें आपको जानना चाहिए, क्या ये पूजने योग्य है, कि चोर है, कि डकैत है, कि गुंडा है, कि गुरवादी है, कि नक्सलवादी है, कि छिनरा है, का पूजा योग्य है कि हम पूजा करें। लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं, गौर करेंगे बाबू। हम जिनको भगवान देवता कहते हैं, यह सरोजवा में और गवैयन में फर्क बा। मैं बोलती हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन लोग मान जाते हैं देवी देवता के खिलाफ। गौर करेंगे बाबूजी, जिनको भगवान देवता कहते हैं इंद्र और विष्णु, ये ना कोई भगवान है ना कोई ये देवता है, ये लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, और गैया भेड़ बकरी चरावे के बहाने दल बल ले करके इंद्र और विष्णु ने मध्य एशिया, ईरान, इराक से हमारे भारत में आए। जब भारत में आए तो पहले पूरे भारत में भ्रमण किए, पूरे भारत में घूम घूम कर गए। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इतिहास था, जला दिया गया। बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक जला। अगर यहाँ से आगे लगी तो मिर्जापुर पहुंचे में कितना समय लगी भैया, एक महीना लगी लगभग। लेकिन लिखा गया है कि 6 महीना तक जला। 6 महीना तक नहीं जला साथियों, 6 महीना इन बेईमानों को, आक्रमणकारियों को लगा, एक एक पन्ना हम लोगों का इतिहास पढ़ पढ़ के जलाई कि न रही बास न बाजी। आज हम लोगों का इतिहास जर्मनी, जापान, विदेशों संग्रहालय में रखा गया है। गौर करेंगे बाबूजी, ये इंद्र ने आया तो पूरे भारत में 90 नगर को फूका। दिल्ली, बंबई, हरियाणा, पंजाब, बनारस, इलाहाबाद, इलाहाबाद में झूसी है, झूसी को झोस दिया, झूसी नाम पड़ गया, पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुरी। गौर करेंगे बाबूजी, झूसी को झोस दिया, 90 नगर को ये इंद्र ने फूका। जेके ना विश्वास हो तो हो जाय कर ऋग्वेद में खोल कर पढ़ लिया, तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है, और मंत्र का लिखा हुआ संस्कृत में, जौन हमारे तोहरे पल्ले न पड़ी हो विदेशी भाषा का लिखा हुआ। इंद्र यज्ञानी नमत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मड़ा। एकर मतलब कुछ पल्ले पड़ा। हाँ, तू सबके मिर्जापुर से यहाँ प्रयागराज में गरियावई आई हो। एकर मतलब इंद्र यज्ञानी ने 90 नगर को फूका, 90 नगर के बीच में भारत की मूल निवासनी शूद्र, उसका नाम था रघुतमा, वो दासी थी। वो दासी का काम था कार नगर में सेवा करना। वो दासी के इंद्र आपन मेहरारू बनाई लिए, इन्हें आक्रमणकारी भारत में एक को मेहरारू लड़का लेके नहीं आई रहे, यहने सारे कुल रणुए आई रहे। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने डीएनए टेस्ट करके लिखा है किताब, ये प्रमाण मेरे पास है, डीएनए टेस्ट का किताब लिखे ए बाबू, कि जितने ब्राह्मण के घर की औरतों हैं वो ब्लड उनका हमारा आपसे मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है। इसलिए बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी, कबीरदास जी जन्मे, लिखे डीएनए के ऊपर क्या लिखे, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर के सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हमें मत करिया भैया, हर ये कबीरदास जी लिखे हैं, क्या है ब्राह्मण तूने गाय खा लिया जने, पहन लिया पक्का बाभन हो गया,
और जौन घरवा भोजनवा परोसता उ शूद्र के सुधरई रह गई ओके का पहनाया। गौर करेंगे बाबूजी। एक लाइन भाव कवि जी लिखे हमारे आपके भारत के मूल निवासी मेरा मूल का देश कैसा था तर्जमा मास्टर। अरे शांत प्रिय देश वासी अरे बहुत ही सतावेला बनि देवी देवा पापी अरे आज्ञा लगा बाबू आप देखें बहन जी श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास के शुद्धिकरण पर चर्चा जान ल कार्यालय पर भैया लिख दें कि गर्व से कहो हम शुद्र। अरे जब भैया अखिलेश कुर्सी पर से उतरे जाना था जब योगी के बैठे के भवा तो उस सीएम हाउस गाय के मुते से धोवा बा मनाए से ज्यादा पवित्र बका हो योगी गैया के मुतवा। इसलिए हम लोगों को ओबीसी एससी एसटी को जागना होगा। इन बेईमानों को पता है इसीलिए ना कितनो गुणवान हो जाएंगे आप लेकिन पूजने योग्य नहीं है लेकिन पूजे विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण का बेटा चाहे चोर हो डकैत हो लुटेरा हो अनपढ़ हो कोढ़ी हो चाहे कैसो हो लेकिन वो पूजने योग्य धन्य है। भैया आप लोग जागे जागे जागरूक हो आप श्रीमान महोदय जी की ओर से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार बा तो भैया जागा 2022 बीत गवा बा आगे 24 वाला तैयारी बा। ए बाबू गौर करेंगे बेईमानों ने आप क्या किया भारत में हमारे मूल निवासी लेके भागा अपना प्राण के मूल निवासी जाति तो था ही नहीं लेकिन सर्वप्रथम इन बेईमानों ने लड़ाई लड़ते हैं लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ के मूल निवासी हम लोगों को पूर्वज भी लड़ाकू थे लड़वैया थे रंगबाज ताऊबाज रणबाज रंडीबाज यह क्वालिटी के रहन का मैं एक एक से वीर ए भैया लड़ाकू थे जे मूल निवासी विदेशी से लड़े ते इतने ना काहे बदे लड़े कहा ये विदेशी मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा लेकिन तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा चीर फाड़ फेंक दे कमीना भाग जे यहां से तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उ जंगल में जाए के जान बचाई बचाई के रहे लगे जंगल में जे रहे तो पेटवा भरे बदे जब उन्हें पही तो उन्हें खही कच्चे मांस खाएं लीलगाय खाएं मोस खाएं खरगोश खाएं चूहा खाएं तन्हे विदेशी का कहां कि देखा ई दैत है असुर है ई राक्षस है ई बनमानुष है शैतान है ऐसे हमारे आपके पूर्वजों को संबोधित करते थे। अब दूसरा षड्यंत्र रचना रचे भारत में हम लोगों को फोट फोट के बाबूजी हम लोगों को अलग करने के लिए ये देखा है समाज के लिए जीना समाज के लिए मरना बाबा साहब ने कहा कि समाज के लिए कुछ करो
कर न सको तो लिखो, लिख न सको तो बोलो, बोल न सको तो सहयोग करो, सहयोग न कर सको तो समर्थन करो, लेकिन कुछ निठल्ला मत घूमो। बहुजन समाज पार्टी के आप रैया के सेक्टर अध्यक्ष राम बहादुर गौतम जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार जय भीम नमो बुधाय और प्रबुद्ध भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत लाल जी, सुभाष चंद्र यादव जिलाध्यक्ष जय भीम जय मूल्यवासी नमो बुद्धाय 100 रुपए का पुरस्कार है बाबूजी। ए बाबू अब दूसरा का कैलन बेईमान जात इतर हबै नहीं भ तब अब करेन करेन का इन्हें पापी पूजा योगी बहन देवी देवता हमरे दोहरे में आई के आग लगाई दे हैं का भय से हमार पिता जावाला भइले देशवासी। जे डराइग जे कहे गुलामी तोहार कबूल करत है हे इंद्र विष्णु, हे पंडित जी गुलामी कबूल करत है हमार खेत कियारी ले ले, घर द्वार ले ले, बहनी बिटिया के इज्जत मर्याद ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन हमें मार के भगाओ। कहें ठीक बा भगाओ ना तो के प्रजा बनाई के अपने बगले रख। जाति तो था नहीं लेकिन सर्वप्रथम इन लोगों बेईमानों ने इन विदेशियों ने आक्रमणकारियों ने फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल। सर्वप्रथम हम लोगों को ए बाबू 6743 जातियों में बांटे, जातियों में बांटे प्रजा बना के रखे। चल तो हमार जूता से आजू से तोई चमार है, चल तो पानी भर आजू से तोई कहार है, चल तो गैया भैंस पाल आजू से तोई अहिर है, अहिर है तो का करी लेकिन शूद्र है। तोर काम ये तो नहीं बा के गाय भैंस तोई पाल घी दूध लिया हमें दे। और है हमार समाज देखा है अब गर्मी आई गा बाबा, गर्मी आई गा बाबा है पहुंच जे ही चौराहे पर लस्सी पिए बदे के एक गिलास माठा लस्सी मिल जाता तो पी ले तो पेटे में ठंडाई आई जात। हमार समाज माठा पियत पियत ठंडा के ठंडाई रही गवा, कहियो गरमाबे नहीं भय। जे गरमान बेईमान केंद्र और राज्य के सरकार बेईमानी से ले लिए सीबीएम में घोटाला कह के। अरे बाप रे बाप, हाँ तो और माठा पिए जा ठंडा नहीं रह 2024 आजू से दूध पिए तब 5 मिनट नेटवर्क बताए घबरा जी। अरे बाप रे बाप, तब 24 में ले आजू से तो अहेर। और चल तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल ओढ़ने के हम लोगों के काम में आए। सर्वप्रथम हम लोगों को ये बेईमानों ने बांट दिया, इतना दूरी बना दिया 6743 जातियों में बांटा। वो एक जाति में 7 जातियां तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई। 500,000 ए बाबू आज हम लोग इतना बटगवा है कि फिर एक नाही हो पावत है। अब ब्याह कैसे करत थी हम लोग यादव हैं तो यादव कर गोत्र देख के, पाल हैं तो पाल में कर, चमार हैं तो चमार में कर, पासी हैं तो पासी में कर, सब में हम लोग करते हैं देख करके गोत्र देख करके। लेकिन भैया हर पंडित जी के घरे का ब्याहे वाला अगर कार्ड आए तो ओके पढ़ लिया। वो लोग बेटी रोटी का रिश्ता कैसे करते हैं गोत्र चेंज करके, गोत्र चेंज करके शादी करे से जवन लड़का पैदा होता वो हाइब्रिड पैदा होता। वो लोग शादी कैसे करते हैं, दुबे हैं तिवारी में, तिवारी हैं तपाड़े में, पाड़े हैं उपाध्याय में, उपाध्याय हैं मिश्री में, मिश्री हैं सुगुल में, सुगुल हैं तो ओझा में, ओझा हैं तो
ए भैया अभे दुबे ही मनाए लगे तो चौबे चतुर्वेदी उपाध्याय मिसिर सब दौड़ा यही बचाओ बदे ढेर कर रिश्तेदार भयन ना और यही अभे कह दे के मुसहर या चमार पासी मराई लगे और जने हाथ मलहे के रजमार सरवा के और मार ये के बाय के चार जूता और मार कहां बियादर हो हमार जाति है वही हम लोगों के अंदर ये भय है बाबूजी तो इसलिए अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जाति पर जब ठप्पा मोहर लगा है तो ए मूलवासियों इतना जाति पर घमंड करो कि जातियां ही खत्म हो जाएं। तो बाबूजी गौर करेंगे कवि जी यहाँ टेरी के भाव लिख दिए अब आगे का हो तो भारत की बर्बादी कैसे भ इलाहाबाद के कैलाश दादा गाय के चला गए तो गाय के चली कसना ही जातू हम कहे जाए भाई हरा वही है हम तक कहो कि तू सबे कुल जने चलो वहाँ ढोल हारमोनिया लेके बजावत रह और जब हमें गावे हुए तो हम मस्ती चाल में आऊ चलत रहते सब हाय मोरे राम मोरे भोले बाबा जोगिया पंडित वेदन में लिखा वेद में हमारे घरे के बात लिखा नहीं है वो नहीं के लिखा वो नहीं के वेद में लिखा हुआ है भैया हरा के शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए कनवा में डलले से हो उद्यान ऋषि के वीर सरवा पत्ता पे बहुत जात रहा राजा दशरथ के बहिन चंद्रकला चाट लिहिन तब सरवन पैदा हो गए तू वीर न मलाई रहा मलाई तापनो मेहरिया के चटाक दे पट पट जानकारी हो जाए दो चट्ठे पैदा करे तब जानकारी हो जाए और तीनों रानी सुमित्रा कई कई को सल्या तुलसी लिखे के श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि के गुफा में तीनों रानी सुमित्रा कह के कौशल्या खीर खाइन तब जाय के भरा शत्रुधान राम एवं लक्ष्मण पैदा भयन बा खीरिया खैले से हो ये तो पढ़ा लिखा तो था नहीं भाई भांग बहुत जबर खाता था लेकिन आज मेरा समाज साइंस विज्ञान लेके पढ़त बा इलाहाबाद सोचा जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाये की अमाशय में जाये अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा ऐसे चूतिया बना ले का हमारे समाज के बहुजन के लोगन के भाई तुलसिया ससुरा तो बीसन जूता आज वहाँ इसी वक्त मार के तब उसे पूछे अरे बाप रे बाप और का आज हमने दोहाई लेकर घूमत है उही पर विश्वास करत है सबसे बड़ी गुलामी यही है हम लोगों की तो बाबूजी तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाई अपना साला मर गया हमको दिया फसा हम उसी में फंसे हैं बिस्की में विष्णु बसे रम में श्री राम जिन में माता जानकी ठर्रे में हनुमान बरोसिया बर रामचंद्र की
सबसे बड़ा देवी देवता बहिमानों ने हम लोगों को अलग अलग कर दिया, बन के है नहीं सिर्फ बन करके, लुटेरों ने लूटा। अब आगे का हो तो मास्टर लिखे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था लिखे, वर्ण माने रंग होता है, वर्ण चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ए बाबू के ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से, हे शूद्र तवन ने पैर से। हम एक नारी औरत है, सोचत है कि दुनिया में आवे बदे सब कर ये कई रास्ता बा, तो कोनो मोहे से पैदा हो गए, कोनो छीके से पैदा हो गए, मैली से गणेश पैदा हो गए, श्री रामचंद्र मूत देहंत रक्तासुर पैदा हो गए, रमवा जस जस मूत रक्तासुर ससुरा तस तस बढ़त जाए। ये उन्होंने किताबी में लिखा हुआ, हम पढ़े रहे। सोच भैया रच के कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चूतिया सरेख, कहता चाहे बाउर सुनता चाहे सरेख। ये भाव देखें मने ए अर्जुन कुमार इंजीनियर साहब, श्री ओम प्रकाश जी हमारे कलाकार महोदय जी के लिए एक संदेश दिए हैं कि श्री ओम प्रकाश जी माता सबरी के बारे में गलत बताए हैं। सबरी एक भील समुदाय कबीले की थी और माता पिता का नाम इंदुमती, जो कि सबरी का असली नाम था श्रमणा, श्रमणा था सबरी के, सबर जात से पड़ा, पूर्व जन्म परम हंसनी रानी थी, संगम तट पर जल में समाधि ली थी। सबरी का जन्म फागुन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ, इसलिए सप्तमी जयंती मनाई जाती है। इनके गुरु मतंग ऋषि थे, विवाह के एक दिन चली गई क्योंकि बरातियों के स्वागत के लिए भैंस बकरी बहुजन ए बहुत सारी मतलब बांध करके रखा गया था कि इसी का बलि दिया जाए। ए भैया इसलिए वो जंगल में चली गई क्योंकि इतनी जानवरों को हमारे ब्याह के दिन हत्या हुई, ऐसे बढ़िया न हमारे ब्याह हुए न हत्या हुई। मूल निवासियों ने कभी ये आहार नहीं किया करते थे, लेकिन बाहरी ये विदेशियों सूर सुरा सुंदरी इन विदेशियों ने भारत में लेकर के आए कि भारत कितना सीधा साधा है, नन्हे ऐसे ना दही तन के पियाए का नशे में कई कर ले ले भाई। इसलिए देखा है 100 रुपए का पुरस्कार, आप बधाई के पात्र हैं, जानकार हैं इतिहास के बारे में। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। गौर करेंगे बाबूजी, पढ़ लीजिए सर, गौर करेंगे कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या। अरे कवन करन
लोगन से चोरी नहीं कह सके थे जवन करिया करिया सामने खड़ा है तुरंत ही पहुंचाई दे ही तो ये लोगन से रचका बचाए के चोराए के कुछ खाई पिए के पड़ जाते गौर करेंगे बाबूजी दस प्रेमियों ने पास शिव जी हम लोगों के देवता जेकर इन्हें बेईमान नाम कन्वर्ट कर दिए इनका नाम था महासुर और नाम बदल के रख दिए महादेव तो देश प्रेमियों ने पास शिव जी अरे छाई गई है इंद्र विष्णु जी शिव पर रिसाई गई है कृष्ण जी के बारे में बताए कि गोकुला में इंद्र भगवान इतना पानी बरसाए कि गोकुला का गैया बछड़ो सब डूबे मरे लागे तब कृष्ण जाए के कानी अंगुरी पर गोवर्धन पर्वत उठाए कानी अंगुरी से सर्वा कहो गोवर्धन पर्वत उठ जाए सोचे वाली बात है थोड़ा तर्क करें बाबूजी वो इंद्र ने पानी नहीं बरसाया इंद्र में ए इंद्र ने अपने पाखंडियों को अपना पाखंड कथा पुराण यही सब वहां गोकुला में बाबूजी इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था तो कृष्ण जी जा करके बंद करा दिए अरे गोकुला के लोग क्योंकि कृष्ण यहाँ के मूल निवासी थे देवता थे हम लोगों के कृष्ण ने बंद करा दिया कि इन विदेशियों का अरे गोकुला के लोग आज से पूजा पाठ तब यही इंद्र विष्णु इन विदेशियों ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किए लड़ाई लड़े गोकुला का लोग कथा सुने आज भी वही संस्कृति परंपरा हमरन में बनी बा मूल निवासी में कथा माने काल्पनिक कहानी हिंदी का शब्द कोश जाय के पढ़ ली है कथा माने काल्पनिक कहानी हाथ जोड़े रहब कथा कहत रही पंडित जी तब कहब देख रे पड़ियवा तोड़ाए बा पी ले दूध वाले हां पी ले रे देख रे जोबान हूं कथा नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले हमरा तोहरा पैसा जुटाई के सबके सुतही दे नकली कथा सुनब असली रुपया देब जाब अचरे से गोड़ धरब अचरे से और यहाँ सरोजवा असली कथा सुनावता एक रुपया दिह चाउर दाल लिया क्यों जने हमार गोड़ धर कथा ए भैया तो गौर करेंगे तर्ज के लाइन बा अरे नजर लागे राजा तोरे भावा नजर लागल भैया मोरे दसावा पर दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान हो धन दौलत लूटा
इतना बढ़िया हमार तोहार पूर्वज का शासन काल रहा, लेकिन नजर लागल भैया मोरे देशवा पर, इस भारत देश सोने के चिड़िया पर नजर लग गई, बेईमानन का नजर लग गई। आज हम लोग बर्बाद हो गए, उसी राजपाट के लिए उसी के लिए सोच रहे हैं। दूसरी चढ़ाई मुसलमान बन के आए। मेरे भारत देश में दो समुदाय के मुसलमान हैं, सुन्नी और शिया, जो सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती इन मूल निवासियों को सुन्नी मुसलमान बनाया गया। वो मूल निवासी हैं, वो हम लोगों के भाई हैं, हमें आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए। और जो 10% शिया मुसलमान है, ये मध्य एशिया ईरान इराक से आए हुए हैं, जहाँ से ये आर्य ब्राह्मण आए हैं बाबूजी। तो आज लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। कई जातियाँ कई धर्म हो गया, बिखर गए। जय जातियाँ तय पार्टियाँ तय संगठन, तो बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। संघे शक्ति कल जुगे, इसलिए जो कि अपने पूर्वजों को दिखाए हुए रास्ते पे आप हमारी पूजनीय धरती पुत्र मुलायम बाहरे बड़े भैया अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी भी एक समाज में अपने लोगों को जब जागो तभी सवेरा, बाबूजी एक जागरूकता लाए। क्या बोल निवासियों भारतवासियों, ये तेरे ही मत मनाओ, तेरे ही क्या है पाखंड है, बाऊ मरी गए तेरे ही माने ब्राह्मण भोज होता है, इसलिए तेरे ही मत मनाओ, तेरे ही माने नया जब बाऊ मर गए तो समझ ल घरे में अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। तेरे ही के दिन बाबू के अब देखा, तेरे ही के दिन करब का पंडित जी के बुलाई लेब, दाढ़ी छोड़वाई लेब, मोछा छोड़वाई लेब, बार छोड़वाई लेब, शुद्ध हो गवा बा, पूरा गोदाम तो बाका रह गया। यानी नया निर्माण होना चाहिए, घर द्वार सब कुछ गिराए दे, ऊपर से नीचे तक सब बनवाए दे, तब जाना कि तेरे ही असली मनाया, और नहीं जान लगे पाखंड है। तो गौर करेंगे, कवि जी आल्हा में भाव लिखे हैं मास्टर। देखा है उस्ताद राजा राम पाल के नाती अभिनव पाल ग्राम केवटल केवटलिया से पैगंबरपुर गायिका सपना पाल। अच्छा सपना पाल जी के आप देवर हैं, चलो देवरों बढ़िया कलाकार हैं, लेकिन वो चुलबुलिया देवर नहीं है, बहुत अच्छा देवर है, बहुत अच्छा है, भोरहिया में बजावत है। आपको कोट कोट नमन है, 100 रुपए का पुरस्कार बा। हम नहीं कहब, हम नहीं कहब कांसी राम मुलायम बाबू, लेकिन सरो सरगम का कहनाम बा, भारतवासी मूल निवासियों से
जाति पाति से ना कम नौ हमरा दू संभाली रे बाटे हका खातिर मोर निवासी हो जा पुरबा ए बाबू भैया हरा ना, ना अब न जाति न पात से हमें आपको लड़ाई नहीं लड़ना है, अपने हक और हिस्सा अधिकार के लिए एक होना है तब लड़ाई लड़ना है। ए बाबू हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, इसलिए संविधान में सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून। संविधान में जितना लिखा हुआ चीज जिस दिन चाहे एक सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर अपने शासन काल में पूर्ण रूप से अगर संविधान का लिखा हुआ चीज लागू जिस दिन कर दे, उस दिन देश का तकदीर ही नहीं तस्वीर बदल जाएगा। तो जागो शेरो जाग जाओ, 2022 तो चला गया लेकिन अब 2024 में हमें तो है कौने भेष में, कैसे इन्हें यही लूटे खाई बदे, हमें तो है बर्बाद करे बदे। कवि जी भाव लिखे ने नन का हम पहचान बतावत है। बहन जी ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों की कन्याओं के शुद्धिकरण पर प्रकाश 100 रुपए का पुरस्कार, कोट कोट नमन व सादर चरण स्पर्श है, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। गौर करेंगे बाबू जी शुद्धिकरण, पहले बहनी बिटियन का जब विदाई ब्याह हो तब विदाई हो तब पहले वो 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था, और इसके बाद चौथे दिन शुद्ध कर देता था ब्राह्मण, तब वो अपने पति के घर जाती थी, तब वो पति के घर जाती थी और वही बनिगा बनाई देहन बेईमान चौथ चौथ चौथे दिन चौथ जाते। दुल्हा के बेचारी के बन की एक दिना तब से नैहरे चली आई। ए भैया नैहरे ना ससुरे पति के पास शुद्धिकरण, उसी को शुद्धिकरण करते थे, शुद्ध करते थे तब पति के घर जाती थी। ए बाबू इसलिए ओ अंग्रेजों ने कानून बना करके तोड़ा तो हम लोगों को जागना होगा। अरे बाप रे बाप, इसीलिए ब्राह्मण ब्याह करवाते हैं, कहते हैं धर्म की पत्नी के होई भैया फलाने का धर्म की पत्नी, धर्म की पत्नी यानी पहले धर्म का, कौन धर्म, हिंदू धर्म, पहले धर्म का पत्नी तब फिर बाद में पति का पत्नी, मतलब धर्म का मतलब पहले बभने का पत्नी करे बाद जेकरे से भाव शादी भाव होकर। हाँ, हाँ, हाँ। गौर करेंगे, इसलिए कहते हैं ब्याह के समय पंडित जी पति देव भव, पति का स्थान सबसे ऊपर होता है, इसलिए माई बहन सेनूर कहाँ लगावत थी हे ललाट पे कि हमार दुल्हा हमारे कपारे पर राजा राज कर रहे हैं, इतना काम तो बिचारी हरे सही करत है। और जौने दिन भूखी प्यासी रही सुधरन के घरे का बहन बिटिया, ओ दिना यही घरे में यही पंडित जी का करी जानी कई दिन का सड़ा गंधान गोबर चाहे भेड़ ले पड़ा रहे, गौड़ी गणेश बनवाई के पहले सेनूर गोबरे पर टिकवही पथरा पे टिकवही, ऊ काहे बदे जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए पथरा पर जाए, वही हमारे समाज के गोबर और पथरा पर जिसका ऑपरेशन किए बाबू ललई राम यादव, पेरियार रामास्वामी, तथागत गौतम बुद्ध जी, पंडित रावण, कबीर दास, रविदास, बाबा साहब, जवन बच्चा आप सरो सरगम के भेजे हैं बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करे बदे। अरे भाई हरे हमारे पास एक हथियार नहीं बा, ये बात घरे धर के चली आई।
देखे हैं विद्यासागर यादव नन्हे लाल पूर्व बीडीसी, ये संविधान की देन है, चाहे बीडीसी बना चाहे मुख्यमंत्री बना चाहे प्रधानमंत्री बना, वाह चाहे तू भी रहा गावा चाहे वो भी रहा गाय ले। हाँ 100 रुपए का पुरस्कार है, कोट कोट नमन बा, सादर चरण स्पर्श है, जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय मूल निवासी। आखिरी लाइन में पहचान बताओ थे इंधन का, गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकावा, घूमई के बेमान ले धरम का टिकावा, आप देखा है सुंदर पुष्पहार, 100 रुपए का पुरस्कार बाती भाई जी की ओर से, भाई को कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है, बेईमानन का पहचान बा, गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूमे के बेईमान ले धर्म का ठिकवा, बेईमान धर्म का ठिकेदार मंदिरन पर बैठ गवा है, कब्जा कर लिए हैं, चाहे इलाहाबाद चला जा और चाहे विंध्याचल चला जा, विंध्याचल हमारे देवी हमारे तुहार देवी, लेकिन दर्शन करे जाबन दुन्नो प्राणी गांठ जोड़े रहबे, ठेली ठेला होत रहे, ऐसे ही पसीना चुअत रहे, तो सोचबे यार कैसे जुगाड़ पकड़े कि जल्दी से दर्शन मिल जाए, तो जुगाड़ लहाऊबा 500 रुपया देव पंडित जी के, तो कैसे दर्शन करी है, झरोखा से झरोखा से, और 1000 देव तब लगे से, और 2000 देव तब चरण छोई के आशीर्वाद है, आशीर्वाद, अरे बाप रे बाप, ए भैया आशीर्वाद दे ही 2000 देव तब अवा दर्शन कई कमाई के बहरे हाफत, अरे बड़े भाग से दर्शन मिलेगा माई का, हे पंडित जी अब हमार जूता चप्पल दा और पर प्रसाद ही दा, हमरन के दोनों प्राणी के आशीर्वाद दा, कि जौने पहले ही पहल बेटवई होय, वह जोड़ा होय, अच्छा ए भैया तो देखा आशीर्वाद दे ही पंडित जी, चंदन लगे ही दोनों प्राणी के, कलाई में खेला लका धागा बांध थी, लीजिए बांध दीजिए, पैसा दो 501 रुपया, निकाल निकाल दे दो, अच्छा तो बांध थी और एक मंत्र पढ़ थी, वो मंत्र का रह था संस्कृत में का, ओ ओ मैन बद्धो बली राजा दान विद्रो महाबल तेंता प्रतिध्वनि रछे माचल माचा, बारे पंडिताइन बा, तो के पंडिताइन समझ में आते, अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो, हम नाई कहते पंडित जी के श्लोकवा कहता, ओ मेन बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेन तो प्रतिध्वनि रक्षे माचल माचल, इस लोग ही कह रहा है कि आए मूल निवासियों भारतवासियों, तुम लोगों के बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारिए और राजपाट शासन सत्ता धन दौलत ईमान शिक्षा सब कुछ ले लिए, आओ तुम्हें भी अटल रूप से इसी बंधन में बांधता, वही हम तो जाई थे मंदिर में पंडित जी के 501 रुपया दे कर और कसम खाए के आई थे, हे पंडित जी हम खाए बिना भले मर जब लेकिन तो है खाए बिना मर ना, वह तेरही में बोलौबा बरही में बोलौबा, खेत लिखौबा तौ बोलौबा, घर बनवौबा तौ बोलौबा, नौकरी पाई जाबा तौ बोलौबा, आ लड़का पैदा हो जाए तो नामकरण करवावे बदे लेके लड़का दौड़े लगबा पंडित जी के लगे हेरे लगबा केहर हैन पंडित जी, नामकरण करवावे के बा हमरे लड़का का पंडित जी, बताओ लो जब नाम और रखे के शक्ति नहीं बा तो को पर चाटे बदे पैदा कैले था 50 ठे, बताओ ये तनी बड़ी हमरी का हमरे यादव समाज में पंडित नहीं है क्या, चमार समाज में नहीं है
पटेल समाज में नहीं है, सब हमारे मूल निवासियों में पंडित हैं। पंडित कोई जात नहीं होती, पंडित ज्ञानी विद्वान होते हैं। ए बाबू, जात तो सिर्फ ब्राह्मणों की होती है, तो ये इनकर धर्म नहीं है, ये धंधा है। देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव 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 देवता हो गए। हमार तोहार पूर्वज राजा रहे, दान दिए दान दिए दान दिए दान हो गए। इसलिए ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। राजा देखा ही, राजा का वंशज है। देखिए सोने का मुकुट चमक रहा, हीरा पन्ना मोती जवाहरात उसमें जड़ा है, देखिए लाइट दे रहा है। राजा भिखारी हो गए और भिखारी राजा हो गया। इसलिए बाबा साहब तीन टैबलेट दिए समाज के लिए, तीन टैबलेट के खाएबा खाए है। पता नहीं कहूँ देखे हैं कि नहीं। तो तीन टैबलेट मतलब शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ए बाबू, इसीलिए शिक्षा शिक्षा शेरनी का दूध है। अरे जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए तो मिर्जापुर से आके प्रयागराज में दहाड़त हो। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी बा। भाई बाबा साहब, घर भले मत बनवाया, खेत भले मत लिखाया और ब्याह भले मत लड़का का कर, लेकिन बाबूजी लड़का के पढ़ाई जरूर दी है। पढ़ाऊबा, जब पढ़ेगा तो वही मास्टर चाभी होता है बाबूजी, तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को धागा नहीं ललका धागा बांधना चाहिए। वो धागा नहीं है, वो हमारे आपके पूर्वजों का वो खून है, खून लाल कलर से, जो आज हम लोगों को मंदिर में बाबूजी ब्राह्मण कसम खिलवा लेते हैं। और हमें तो है पता ही नहीं बाकी इनकर यावत है, इनके आशीर्वाद देते हैं। अब मेहरारू के तो बस मेहरारू के तो और गरियावत थी और कह डरवाई देहन के फलनिया करवा चौथ न व्रत रहे तो तोर भतार मर जाए। तो इसलिए चाणक जी कहते हैं कि अगर करवा चौथ व्रत रहने से पति की उम्र लंबी होती है तो भारत की एक भी नारी विधवा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा पाखंड अंधविश्वास। इसलिए हम लोग झगड़ा करते हैं तो कहाँ जाते हैं, थाना पे। झगड़ा करते हैं तो कहाँ जाते हैं, थाने पे। थाना के बनाए संविधान, संविधान के बनाए बाबा साहब, तब जात है मंदिर ओरी। इशारा करत है मंदिर ओरी जात है, मंदिर के पंडा पुजारी कुल संसद भवन ओरी जात है। हमने मंदिर ओरी जात है, मंदिर का दे हमें तो है पता नहीं बा, लेकिन मंदिर का पंडा पुजारी के पता बा। जब घरे जाए लगे तो दान पेटी वाला बक्सा में ताला लगाई देती, काहे बदे कई सरवा पथरा है, यही हो कौन सर यही मार के लूट लेट के लेकर चला जाइए। इसलिए ताला बंद कर देते हैं, तो हम लोगों को कितनी बड़ी मूर्खता है। इसलिए हम लोगों को लिए ओशो ने कहा है कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर मंदिर वही जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। तो धन्य है अगर इन महान पुरुषों की वाणी पर थोड़ा सा हम लोगों को चलना होगा, तभी हम लोगों का साथियों वो पुनः दोबारा वो शासन काल आएगा। बदाव में देख लो मंदिर में 40 साल की औरत की इज्जत लूट के ओके जान से मार दिया गया पंडा पुजारी द्वारा। हम कहते जब इतना शक्ति रहा मंदिर में तो इज्जतिया जब लुटात रहा बिचारी का, तो मंदिरिया में का भगवान कहाँ चला गया रहा। बात तो हमके नहीं पता भाई, ससुरा अपने बहनी औरे गा रहा खिचड़ी लेके। नहीं तब बचाई लेते। तो धन्य है बिरहा, यही से आखिरी लाइन बा। ए बाबू तो बाहर है बाबू ललई राम यादव परियार रामा स्वामी मानिवर कांसी राम जी डॉक्टर लोहिया, बाहर है छत्रपति साहू जी महाराज, बाहर है सावित्री बाई फूले, बाहर है माता अम्बेडकर रमाबाई। ऐसे माताओं को ऐसे देवताओं के बाबू ललई राम यादव, अगर इन महान पुरुषों के वचन अच्छी लगी हो तो आप लोग जोरदार ताली बजा के उन लोगों का स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ए बाबू आखिरी लाइन बा।
राम सूरत यादव समाजवादी नेता, अब्दाजपुर खान, आपके तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। ठीक ठीक ठीक। बाहरे अखिलेश यादव अपने ही शासन काल में करते हैं क्या, शिवचरण राजापुर मलहुआ से शिवचरण बाबू जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है। कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है। अच्छा, ऐसे समाज के जागरूकता के लिए बधाई के पात्र हैं पिताजी, इनके लिए जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए। बाहरे धरती पुत्र मुलायम, बाहरे बाबूजी, बाहरे अखिलेश यादव जी, अपने शासन काल में हमारी देश की बहन बेटी, ये देखे हैं बाती भाई की तरफ से सुंदर पुष्पहार, 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। मेरे देश की लड़की, हेलो।